गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एक्सप्लेन क्लास सिक्स एक्सरसाइज 10.1 सब्जेक्ट मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसकी वीडियो हम भेज रहे हैं बोर्ड पे नहीं, बिकॉज मोस्टली फिगर इन इट, सो वी एक्सप्लेन प्रॉपरली कि हाउ कैन वी फाइंड द पैरामीटर। तो फर्स्ट फिगर इज, देखो पैरामीटर सम ऑफ द होल साइड, इट इज क्लियर इन इंट्रोडक्शन। तो ये फिगर है जो आप देख रहे हैं। अब इनका पैरामीटर देखो, इसमें 4 + 2 + 1 + 5 जो इनका प्लस कर देंगे तो वो इसका पैरामीटर होगा, यानी 4, 2, 6, 7 और 5 = 12 सेंटीमीटर। ऐसे इन सब के साइडों का प्लस करना इसका सॉल्यूशन। ये अभी इन्हीं सभी फिगरों के सॉल्यूशन है। देखो फर्स्ट का 12 सेंटीमीटर, सेकंड के फिगर की 15 + 15 + 15 16 सेंटीमीटर, बी की 35 + 23 = 35 + 41 = 33, यानी जितनी भी साइड है सब की प्लस करते हैं तो वो ही उसका पैरामीटर होगा। तो फिगर देखें, उसके बाद ए ए बी सी डी ई एफ सब के प्लस लिखें और इनके प्लस के आंसर इसके सामने हैं। तो इट इज़ क्लियर, पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, इट इज़ कॉल्ड द पैरामीटर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 cm by 10 cm सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें एरिया निकालना है या पैरीमीटर। अब देखो इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके चारों तरफ जैसे ये रेक्टेंगल टाइप बॉक्स है, उसके चारों तरफ यूँ उन्होंने टेप लगाई है। तो ये 40 और ये 10 है, तो लेंथ 40 होगी, ब्रेथ 10 होगी। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, 2 × length 40 / 10, 40 × 10 = 100 cm। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड 100 = 101 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए टेबल टॉप मीजर 2 m 25 cm by 1 m 50 cm, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, टेबल टॉप में लेंथ और ब्रेथ है, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पैरीमीटर 2 × L + B, 2 length 2.25 meter की जगह पॉइंट लगा देंगे 1.50, इन दोनों का प्लस किया 3.75 × 2 = 7.50 meter। अंडरस्टैंड। देखो सॉल्यूशन फोर्थ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। देखो सॉल्यूशन फोर्थ में भी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, चारों तरफ स्ट्रिप चिपकानी है, तो हमें चारों तरफ की स्ट्रिप चिपकानी है, तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड मींस पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है, तो 2 length 32, ये 21, इन दोनों को ऐड करेंगे 53 × 2 = 106 cm। सॉल्यूशन फाइव, ए रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 km by 0.5 km, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद ए 4 row of wire, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। देखो लेंथ 0.7 km, ब्रेथ 0.5 km है। आपको पहले निकालना है पैरीमीटर, पैरीमीटर में 1 round आता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लैंड 2 × L + B, ये इंटू नहीं है, प्लस आएगा 2 × 0.7 + 0.5, इन दोनों को ऐड करो 1.2 × 2.4 km। अब हमें ये तो 2.4 km आ गया 1 row डिस्टेंस, हमें निकालनी 4 row की। तो लेंथ ऑफ द 4 row wire 4 × 2.4 km, 9.6 km। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
फाइंड द पेरीमीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग से बड़ा इजी है। ट्राइंगल दिए, तीनों साइड दिए, ट्राइंगल का पेरीमीटर साइड प्लस साइड प्लस साइड है, तो इनका सम कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 3 + 4 + 5 = 12 सेंटीमीटर। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 9, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 × साइड, 3 × 9 27 सेंटीमीटर, या 9 + 9 + 9 करोगे तो भी 27। एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 8। देखो आइसोस्केल में टू साइड इक्वल होती है, तो टू साइड इक्वल होती हैं, 8 + 8, अदर साइड इज 6, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड का सम कर देंगे, 10 + 14 + 15 = 39 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, देखो हेक्सागोन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड होती हैं, ईच साइड मेजर 8 सेंटीमीटर। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो। हेक्सागोन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 6 × साइड 6 × 8 48 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब देखो पेरीमीटर दिया है 20 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है इक्वल 20, साइड निकालनी 4 या इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 4 × 5 = 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन इज 100 सेंटीमीटर। पेंटागोन में कितनी साइड होती हैं, पेंटागोन में 5 साइड होती हैं, हाउ लॉन्ग इट इज इट ईच साइड, तो एक साइड निकालनी है, तो वी आर गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागोन इक्वल 100। रेगुलर पेंटागोन यानी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो 5 × साइड इक्वल 100, साइड निकालनी है तो 5 का या इंटू में या डिवाइड में होगा, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो ये पीस ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिप इज यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर। यानी एक पेरीमीटर स्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब उससे कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, लेंथ निकालनी, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 × साइड, साइड निकालनी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 का यहाँ इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 13 × 3 = 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 6 × साइड, अब लेंथ निकालनी, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन डिवाइड बाय 6, पेरीमीटर तो 30 है, 6 × 5 = 35 सेंटीमीटर। 12, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल 12 and 14, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। देखो ट्राइंगल की दो साइड दी है और पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड में से दोनों साइड का प्लस करके माइनस कर देंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। देखो लेट द थर्ड साइड हमने एक्स मान ली, तो 36 इक्वल 12 + 14 + x, 12 और 14 = 26 + x, 26 इधर जाएगा तो माइनस में, 36 में से 26 गए तो 10 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल भी 10 सेंटीमीटर। 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क साइड 250 मीटर, रेट ₹20 पर मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 250 मीटर दी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क हमें पता है 4 × साइड होता है, 4 × साइड इक्वल 1000, कितना आ गया 1000 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पार्क पर 1 m² इक्वल 1 m इक्वल ₹20, तो 1000 का 20 से इंटू करेंगे तो कितना खर्च होगा 20,000। इसका मतलब पहले हमने
पेरीमीटर निकाल लिया, जो पेरीमीटर है उसका 20 से इंटू कर दिया, खर्चा जाएगा 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 175 एंड ब्रेथ 125 एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। देखो इसमें हमें पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ 175, ब्रेथ 125 मीटर, 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 300 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क रुपीज़ 12, तो 600 का 12 से इंटू कर देंगे, रुपीज़ 7200 आएगा। देखो 15 स्वीटी रन अराउंड स्क्वायर पार्क साइड 75। एक स्क्वायर स्वीटी एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी साइड कितनी है 75 मीटर है। बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45, हु कवर लेस डिस्टेंस। तो स्वीटी वाले पार्क की और बुलबुल वाले पार्क की हमें क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है। तो स्वीटी वाला पार्क स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होती है, तो 4 इंटू 75 करेंगे 300 मीटर। अब डिस्टेंस कवर बाय बुलबुल, इसका जो बुलबुल जहाँ दौड़ रही है वो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू एल प्लस बी, 2 लेंथ 60 है और ब्रेथ 45 है, 60 और 45 इन दोनों को ऐड करो 105 इंटू 2 210 मीटर। दोनों का कंपेयर करें तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, पहल स्वीटी की ज़्यादा है, तो बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस, तो कम कौन जा रही है, बुलबुल। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पेरीमीटर, इन सब का पेरीमीटर निकालना, फॉर्मूला दी वो फिगर दिए हैं, फिगर में सभी की साइड दी, तो बढ़ाई जी है पेरीमीटर निकालने के, सम ऑफ ऑल साइड निकालना है, उसके बाद व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम आंसर, इनका पेरीमीटर निकालने के बाद आप क्या महसूस करेंगे, आपको ये लिखना है। देखो पेरीमीटर फर्स्ट सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड 25 प्लस 25 प्लस 25 100 सेंटीमीटर। दूसरे फिगर में आप बुक में देखें पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड 10 दे रखा है, दूसरी 40 दे रखी है, तीसरी 10 और फिर 40 ऐड करेंगे 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड सी का, सी फिगर में एक 30 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 20, इनका प्लस किया तो 100 सेंटीमीटर। डी पेरीमीटर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड डी में एक 30 है, फिर दूसरा 30 है, तीसरा 40 है, इनको ऐड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो इनफेरेंस फ्रॉम द आंसर ऑल द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, सभी फिगर्स के पेरीमीटर क्या हैं, सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 अवनीत बॉय 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब्स वन विद ए साइड ऑफ हाफ मीटर, यानी अवनीत ने जो स्क्वायर देखे इसमें 9 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड है, ईच साइड सब की जो साइड है वो हाफ है, तो जितनी भी साइड है वो आपको 9 स्क्वायर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ही लेज देम द 4 स्क्वायर, उन्होंने इस तरह और इस तरह लगाए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट फिगर फर्स्ट, फिगर फर्स्ट का पेरीमीटर निकालना है। देखो आप या तो इस तरह करें या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 साइड है, 12 को किस से इंटू कर देंगे, हाफ से, 12 1 जै 12 अपॉन 2 2 6 जै 12 6 मीटर। इस तरह आप अपना सॉल्यूशन करें। अब इसमें सारी डज लाइक इज अरेंजमेंट सी गिव टू मेक सम ऑफ ए फिगर, सारी ने इस तरह किया है, तो वही तरीका इसकी भी साइड गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो 20 यानी इसके बजाय यूं करना है बस आपको, 20 इंटू 1 अपॉन 2, ये तो 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 मीटर, तो ये हाफ हाफ ऐड मत करना, इस तरह कर लेना 20 इंटू 1 अपॉन 2,
सी सारी अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तीसरे में कुछ का ज़्यादा आंसर है, सारी का, तो सारी का ग्रेटर पेरीमीटर है। अब डी में आपको अपने तरीके से और अरेंज करना है जिससे ज़्यादा पेरीमीटर है, तो यस देयर वी गेटिंग एन इवेंट गेटिंग पेरीमीटर, यानी सबको इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीध में जमा दिया। अब इसके साइड गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गई, 20 × 1/2, फिर डिवाइड करो इसको, तो अदर वे में भी 10 मीटर आएगा। तो इस तरह इसका भी आप सॉल्यूशन कर देंगे। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट यू कन्वे द मैसेज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।